welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. Ma'am, क्या 40 days sufficient होते हैं CA की exams clear करने? I would say yes. Ma'am, हमने बिल्कुल पढ़ाई चालू नहीं की है अभी तक. क्या still sufficient है? I would still say yes. Still one group तो possible है. अभी आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, मैम ऐसे तो हमने 4 महीने से पढ़ाई चालू की, तो हम क्या बेवकूफ है 4 महीने से पढ़ाई चालू करने के लिए? नो गाइज, आप ऑन ट्रैक ही रहिए. बट जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, आई ऑलवेज से वी स्टिल हैव अ चांस. इट इज एज गुड एज, अगर क्रिकेट आप देखते हो तो अगर 6 balls में 36 runs चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? आई वुड से इट इज पॉसिबल. तो सेम सिचुएशन में आज आप हो करंटली, तो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करना चाहिए 40 days में, क्या मिक्स एंड मैच होना चाहिए. एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वेरी एंड. ऑल्सो गाइज, एग्जाम को हार्डली कुछ टाइम बचा है. इट्स वेरी इसेंशियल कि आपका EQ लेवल हाई होना चाहिए अभी इमोशनल क्वेश्चन. तो टू कीप यू ऑन ट्रैक, टू बूस्ट यू कॉन्स्टेंटली एंड टू अपलिफ्ट यू ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई एम गोइंग टू पुट वीडियोज ऑन दिस चैनल. तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी डोज ऑफ मोटिवेशन. सो गाइज, सबसे पहली चीज जो करनी है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ. टूडे इज 10th of April. फ्रॉम 10th of April टू 25th of April वी हैव गॉट 16 days. इसमें क्या करना है, ऑफकोर्स अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू ही नहीं की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही ग्रुप करेंगे. सिलेक्ट कि कौन सा ग्रुप आपका थोड़ा बहुत डिसेंट इनफ है, उसको चूज करके हर सब्जेक्ट को 4 days देना चालू करो एंड दिन में 12 to 14 hours पढ़ना चालू करो. आई एम प्रिटी श्योर आपकी सुई अटक गई होगी 12 से 14 घंटे पे कि मैम 12-14 घंटे कैसे पढ़ाई होगी. गाइज, कल ही मैंने किधर तो पढ़ा, इफ यू हैवंट गॉट इन लाइफ वॉट यू वॉन्ट, एटलीस्ट यू हैव गॉट द एक्सपीरियंस. तो आपके पास एक्सपीरियंस है गलतियां कमिट करने का. लेट अस मेक श्योर दिस टाइम दैट वी आर नॉट कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन, सो दैट फ्यूचर में जाके और रिग्रेट ना हो. देर आर नो रिग्रेट्स इन लाइफ, देर आर जस्ट लर्निंग. सो लेट अस लर्न आउट ऑफ आर मिस्टेक्स एंड पढ़ना चालू करो 12-14 घंटे. लेट अस गिव आर बेस्ट शॉट. गाइज, आपके अंदर अभी एनर्जी स्टोर्ड है, ऐसा नहीं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत पढ़ाई की थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया. गाइज, है एनर्जी स्टोर्ड, लेट अस चैनलाइज देम इन द राइट डायरेक्शन. सो 4 days पर सब्जेक्ट, 14 hours पर डे, 60 hours अप्रोक्सीमेटली पर सब्जेक्ट, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं. भले ही वो 60-70 marks के 60-70% पोर्शन कवर हो, बट उतना करना है. 25th तक खुद को ये टास्क दे दो एंड उसके बाद लास्ट के 5 days है, उसमें बचे हुए 10-20% जितना हो उतना करो, लेकिन 30th of April तक फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए. आई एम प्रिटी श्योर अभी और एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम कौन से चैप्टर्स, कौन सा सब्जेक्ट दिन में पढ़ना चाहिए, थियोरी पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब सॉल्व करना चाहिए, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, थियोरी कैसे पढ़ना चाहिए मैम, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना चाहिए मैम, मैम रिविजन्स कैसे करना चाहिए, RTP कब सॉल्व करना चाहिए. आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है जो हर चीज यहाँ पे एड्रेस नहीं हो सकती है. गाइज, इसीलिए कल आ रही हूँ ना मैं लाइव सेशन लेके अनअकैडमी पे सुबह 11:30 11:30 to 12:30 विद अ सुपर इंसाइटफुल मोटिवेशनल एंड अ पावर पैक्ड सेशन फॉर यू गाइज, जिसमें ये सब इश्यूज जो है वो सब कवर हो गए एंड आपको एक हर प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगी मैं जो आप मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइज कर सकते हो इन द अपकमिंग 40 days. ग्रुप करना है, बोथ द ग्रुप्स करने हैं, एग्जेम्पशन के लिए एम करना है, क्या एग्जैक्टली करना है, ये सब डिस्कस करेंगे उस सेशन में. एंड गाइस, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द अनअकैडमी सेशंस इन सच ह्यूज नंबर्स. इतने मैसेजेस आए मुझे स्टूडेंट्स के कि दे आर प्रूविंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड दैट इज व्हाट आई नीड इवेंचुअली, दैट इज व्हाट आई एम फॉर, कि आपको बेनिफिट रहे हर वो चीज जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. सो क्या करना है गाइस, मैं नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो, अभी क्लिक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, so that you are notified when I come online and use this code RCH10 so that you can watch that session for absolutely free of cost. तो कल सुबह मिलेंगे and एक fresh mindset के साथ एक fresh approach decide करेंगे and we are going to kill the next 40 days for sure. Next point guys जो है अभी ना guys, एक Bruce Lee का quote है कि guys he always used to say, I don't fear the man who has mastered 10,000 kicks. I always fear the man who has mastered one kick 10,000 times.
सो क्या बोलना है मुझे आपको, परफेक्शन. लेट अस एम फॉर परफेक्शन. जो करेंगे ना गाइज अच्छे से करेंगे, भले ही 70% सिलेबस, भले ही 80% सिलेबस, बट वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि 80 मार्क्स का पेपर भी लिख के आए ना उसमें से अपने को 60 मार्क्स मिलने चाहिए. लेट अस स्टार्ट वर्किंग विद दैट इफिशियंसी, दैट फोकस एंड दैट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. परफेक्शन के लिए एम करना चालू करते हैं गाइज. द थर्ड थिंग इज पैटर्न ऑफ स्टडिंग क्या होना चाहिए. अभी वो सेम घिसा पिटा पैटर्न नहीं कि बुक सामने है, दिमाग में कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है. नो गाइज, एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में लिखना है अपने को एग्जाम में. तो अभी भी पढ़ाई भी उसी फॉर्मेट में करना चालू करो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. दिन का 20% पार्ट थियोरी को दो, लेकिन 80% पार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में इन्वेस्ट करना चालू करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पढ़ाई तो कर लेते हैं, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके स्टक हो जाते हैं क्योंकि कभी क्वेश्चनरी सॉल्व नहीं किया. लेकिन अभी आई वुड से द स्मार्ट वे टू डील विद द थिंग्स वुड बी स्टार्ट सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. द फोर्थ थिंग इज प्रिपेयर प्रॉपर रिविजन प्लान. कि दिन में 1-2 घंटा तो रिजर्व रखो ही रखो फॉर रिविजन. कौन सा सब्जेक्ट अभी आपके जितना हुआ रहेगा, ब्रिटिश और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. किसी का आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करनी है, कोई हाउसवाइफ्स है उसके साथ उनको पढ़ाई करनी है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी जैन का रिजल्ट जस्ट है, उनको समझ ही नहीं रहा है क्या करे, एक ग्रुप करे, बोथ दो ग्रुप्स करे. तो गाइज अगर आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स चाहिए तो यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे अपन हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, आपके वीकनेस के हिसाब से. सो आई एम गिविंग द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइज. Let us make these 40 days count. Basically, मेरा यही intention है. So, उसमें अपने को daily basis time reserve रखना है revision के लिए and start making notes. क्योंकि eventually exam के पहले तो 1.5 days ही है अपने पास. 1.5 day पे भी कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से video लाऊंगी, तो उस channel को subscribe करके रखना. And yes guys, अभी से notes making करना चालू करो ताकि future में panic avoid हो. ओके, सो अभी के अभी आपको कमेंट करना है नीचे, किसी आपके हाथ में अभी गाइस, कि नेक्स्ट 40 डेज आई कैन मेक थिंग्स फ्रॉम बैड टू वर्स या फिर बैड टू बेटर. आई एम गोइंग टू टेक इन चार्ज ऑफ द नेक्स्ट 40 डेज एंड आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके गाइस, तो कल मिलेंगे अनअकैडमी पे, सेशन पे, लाइव सेशन पे, एंड हर वो चीज डिस्कस करेंगे. एंड वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ फ्रेश माइंडसेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके गाइस, दिस इज मी साइनिंग आउट. टाटा, बाय बाय.